और बहनों और आदमी पुरुष मर्द औरतें सब, मैं राघव जियाल और 377, तो वो भी वो इंसान ही है, मर्द औरत में आता है लेकिन उनकी हाव भाव अलग होते हैं, वो 377 है। हाँ, तो यार नमस्ते सबको। और आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारा जो शो है डांस प्लस सीजन 4 आने वाला है। ये एक माला कुछ चल रहा है, डांस चल रहा है, लेकिन यह हमारी जिंदगी में हम लोग सब सपने देखते हैं, सबको किसी ना किसी तरह सक्सेस भी मिलता है अपने हिसाब से, और उस सक्सेस के पीछे आप तो होते ही हो, आपकी मेहनत तो होती है, मगर आपके साथ कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके सपने अपने सपने बना देते हैं, चाहे वो दोस्त हो, यार हो, माँ बाप हो, भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, परिवार हो, कोई भी हो सकता है वो। तो वैसे ही कुछ वैसे ही लोगों को, वो लोगों के लिए हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सीजन, क्योंकि सपने सिर्फ अपने नहीं होते, कुछ लोगों के वो सपने दूसरे अपने बना देते हैं, जैसे मेरे दोस्तों ने बना दिए थे, बहुत मदद करी उन्होंने मेरी, मेरे टाइम पे जब मैं यहाँ आ रहा था, फिर यहाँ पर रेमो सर ने मदद करी जब मैं यहाँ था, अभी मेरे सर हैं, मेरे एक्टिंग कोच हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, पीछे धर्मेश भाई हैं, पुनीत भाई हैं, ऐसे बहुत सारे प्लस हैं मेरे लाइफ में। शक्ति है, शक्ति तो पूरी फिल्म है, शक्ति के बिना ये शो अधूरा है, शक्ति के बिना मैं अधूरा हूं, ये शो नहीं है, ये परिवार है, यहां एकत्रित होके हम ये उत्सव छोड़िए महोत्सव बनाएंगे। बहुत प्रफुल्लित हो रहा है मेरा मन इस वक्त कि मैं यहां पर इस शो का विचार धुरण बन रहा हूं, क्या बोलते हैं उसे एंकर को, विचारधारक, संचालक बन रहा हूं मैं इस शो का। और वही सपने सिर्फ अपने नहीं होते, वही मेरे जो मेरी लाइफ में जितनी भी मेरे उठाव गिराव जितने भी होते हैं उसमें मेरे दोस्त साथ रहते हैं, वो मेरे प्लस हैं। और इसी बात पे यार मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और मैं आपको हमारे शो का जो प्रोमो है वो दिखाता हूं। प्लीज, इस बार हम सिर्फ वर्ल्ड क्लास डांसर्स को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, उनकी कला को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम उनके साथ जिन्होंने भी दिया है उनका साथ, चाहे उनकी फैमिली हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, यार हो, परिवार हो, चाचा हो, चाची हो, कोई भी हो, उनका साथ जिसने भी दिया है, उनकी बीवी हो, कोई भी गर्लफ्रेंड हो, हम उनको भी साथ सेलिब्रेट करेंगे इस बार हमारे सीजन 4 में। तो ये है डांस प्लस सीजन 4, क्योंकि सपने सिर्फ अपने नहीं होते, औरों के भी हो सकते। अब मैं बुलाता हूं उन महारथियों को, उन पुष्ट व्यक्तियों को, उन जानबाजों को, हमारे तीन अनमोल रतन, हमारे तीन करण अर्जुन, हमारे तीन कैप्टन्स, द वन एंड ओनली धर्मेश, शक्ति एंड पुनीत पाठक, कम ऑन। बहुत अरसे के बाद अब ये शो आ रहा है, बड़ा अजीब लगता था जब स्टार प्लस में इससे पहले बहुत सारे शोज आते थे। अब मैं माइक, ये दाढ़ी वाले पुरुष पुनीत जे पाठक के हाथ में दूंगा, इनको पहले से माइक का शौक है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम मेरी तरफ से भी आप लोग को, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शो है डांस प्लस, जैसे कि राघव ने कहा परिवार है। इस साल में आप हमेशा पूछोगे नया क्या है, तो हम अभी से बता रहे हैं, जो थॉट लेके हम लोग जा रहे हैं वो ये है कि सपने सिर्फ अपने नहीं होते, क्योंकि हर एक इंसान जो फोरग्राउंड में दिखता है कैमरा के आगे कुछ करके आया है, उसके पीछे काफी लोगों का या एक इंसान का, एक परिवार का, जैसे राघव ने कहा, किसी ना किसी का हाथ रहता है। तो आज वो लोग जिन्होंने कोई और लाइमलाइट ले सके उसके लिए सैक्रिफाइस किया, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी जिंदगी में भी ऐसे हुआ है, मेरा सपना था पर मेरे साथ किसी और का भी सपना था, जो मैं आज यहाँ पे हूँ।
वो मेरा छोटा भाई निशित, एंड वो भी एक डांसर है, हुआ करता था, एंड लेकिन मेरे फैमिली में मैं बड़ा भाई हूँ, निशित छोटा भाई है, एंड डैड चाहते थे कोई ना कोई बिजनेस ज्वाइन करे, तो उसने अपना डांस सेक्रीफाइस किया ताकि वो अपना डैड का सपना पूरा कर सके और बिजनेस में चले गया, और मैं अपना डांस का सपना पूरा कर सकूं। तो ही सैक्रीफाइज हिज लाइफ एंड ही मेड श्योर कि मैं अपना सपना पूरा कर पाऊँ, इसलिए मैं सेलिब्रेट करूंगा। और मेरा प्लस है निशित मेरा भाई, क्योंकि सपने सिर्फ मेरे नहीं थे, उसके भी थे। या शक्ति, हाँ शक्ति, नया पूछो। कुछ नया ये पूछूंगा कि जो सपने हैं हाँ। वो अपने नहीं होते। अच्छा, तो किसके होते हैं? तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा प्लस कौन है भाई? तुम्हारे लाइफ में वो कौन है जिसने तुम्हारा सपोर्ट किया? वो कौन है जिसने ऐसे टाइम पे जब सब खत्म हो गया था, तुम टूट चुकी थी, तुम्हें आके गुजर चुकी थी, अपने आप कहानी बना ले पहले तू। कौन था वो? कौन था वो लड़का? खैर, जोक्स अपार्ट, आई थिंक मेरी जिंदगी के प्लस मेरे पापा है। राइट फ्रॉम द मोमेंट जब हम पैदा हुए, हम चार बहने पैदा हुए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स उन्होंने देखे हैं, नॉट ओनली फॉर माई ड्रीम्स पर हमारी एग्जिस्टेंस के लिए भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे कि आपके घर का वंश कौन है, आपकी बेटियां कैसे घर चलाएंगी, आपका बुढ़ापे में ध्यान कौन रखेगा। तब से लेके आज तक हमारे पापा हम सबके साथ खड़े रहे हैं, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे पापा ने हमें कभी भी नहीं रोका फ्रॉम डूइंग एनीथिंग वी वांटेड, और उसके लिए इतना ज्यादा करेज चाहिए कि जब तुम्हें पूरी दुनिया तुम्हें टोक रही है, मना कर रही है, तब जाकर उन्होंने हमें जो बनना था वो बनने दिया, जहाँ पैसों ने साथ नहीं दिया उन्होंने तभी भी हमें नहीं रोका। सो आई फील ही इज माई प्लस इन एवरी वे, एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हिम कि उन्होंने ये वर्ड कभी नहीं आने दिया कि बेटा ये मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम लड़की हो, या फिर हमारी हम उस स्टेटस के नहीं है, फाइनेंशियली हम इतने स्टेबल नहीं है, मत करो। ही नेवर सेड दैट, एंड आई थिंक पूरी जिंदगी लग जाएगी मुझे उनको थैंक यू बोलने में। सो लव यू पापा। सेम सेम दरवेश, हाँ सेम ऐसे ही है। जब ये चौथा सीजन है एंड पता चला कि हमारा ये टैगलाइन कि सपने सिर्फ अपने नहीं होते, तब एक ही चीज दिमाग में आई, जैसे हाँ मेरे भी पापा हैं, मेरे दोस्त हैं। जब हम ऐसे ग्रुप में बैठते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो कुछ लोग हमें चढ़ाते हैं, जैसे और इसका डांस देखा तुम क्या कमाल का करता है, मतलब कभी मस्ती करते हैं कि यार इसका डांस देखो, तू नया आया है ना, इसका डांस देखो। तो वो कुछ लोग होते हैं जो मस्ती में हमें ज्यादा पूछ करते हैं कि हम वो उनको दिखाने के लिए डांस करें। कुछ लोग हमें, मैं नेगेटिव में भी थोड़ा जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग हमें चैलेंज भी करते हैं, कुछ लोग हमें चैलेंज करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, मतलब हमारे रिलेटिव, वो सब लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपने को साइड में रख के वो हमें पुश करते हैं कि भाई आप आगे जाओ। तो मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पापा हैं, तो ये जो टैगलाइन है वो ये बहुत कनेक्ट करता है हमसे कि आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपको पुश किया होगा ये प्रोफेशन में आने के लिए। सो अच्छा लगता है, एंड जितने भी लोग हैं उनको थैंक यू बोलूंगा कि अच्छा हुआ हमें इतना ज्यादा पुश करने के लिए आ गए, मेरे पापा, मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह। और अब मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है, हमारे सामूहिक प्लस yes. पूरे भारत के सामूहिक प्लस, यस, द वन एंड ओनली रेमो सर। और वो अकेले नहीं है, उनके प्लस साथ, उनके साथ उनके प्लस हैं, और उन प्लस, चले आप सर आ जाइए। प्रणाम आंटी। क्या कहना चाहेंगे, अब सीजन 4 स्टार्ट हो रहा है और हमारा जो एक सारांश निकल के आया है पूरे सीजन का इस बार का, ये है कि सपने सिर्फ अपने नहीं होते, तो आपका क्या टेक है इसमें? थैंक
गेट टेक है. बहुत ही अच्छा लाइन से स्टार्ट हुआ है डांस प्लस फोर. सपने सिर्फ अपने नहीं होते. आपने वीडियो देखा, मेरी लाइफ की कहानी से लेके निकली, बट उसमें मेरे डैडी विलन नहीं है. क्योंकि मेरी डैडी का सपना था कि मैं एक पायलट बनूं. मैं उनका प्लस नहीं बन पाया, लेकिन मेरा जो सपना था उनकी प्लस मेरी मम्मी बनी, तो मैं आज यहां तक पहुंचा. बट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कभी कभी हमको भी किसी का प्लस बनना पड़ता है. और वैसे ही होता है, जैसे मैं निकल पाया मेरे डैडी का सपना पूरा, पर एटलीस्ट मेरा सपना वो शायद उस वक्त नहीं देख पाए थे कि मैं क्या बनना चाहता था, लेकिन शायद कहीं हद तक मम्मी को भरोसा था मेरे पर, तो मेरी प्लस बनी. ये देखो, ये होस्ट करने आया है. थैंक यू. तो और एक ही ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक प्लस होता है. यस, एक सबसे बड़ा प्लस होता है जो आपको पुश करता है. उसके बाद उस जर्नी में आप जाते हो तो उस और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए. वो सारे आपके प्लस हैं. सबसे बड़ा प्लस मेरी माँ. एंड देन जब बॉम्बे आया तब जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी एक यहाँ पे फैमिली बनी थी, परदेसी फैमिली, वो मेरे प्लस बने क्योंकि उन्होंने मेरा सपना देखा और उनका सपना जुड़ गया मेरे साथ. एंड देन धीरे धीरे आगे बढ़ा, देन डांसिंग में गया. अहमद खान मेरे प्लस बने, अनुभव सिन्हा मेरे प्लस बने. और उसके बाद और एक प्लस आया, जैसे ये मेरी माँ है वैसे मेरे बच्चों की माँ लिजेल मेरी सबसे बड़ी प्लस बनी. तो इस तरीके से बहुत सारे प्लस है. और ऐसे ही नहीं, मेरी बहनें जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया. सो ऑल दीज प्लसेस, इन सारे प्लस को मिला के जब इतना सारे पॉजिटिव आते हैं तभी एक इंसान यहाँ तक पहुँच पाता है. मैं अकेला अगर चाहता तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता. इन सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा. एंड ऑल दीज गाइज स्पेशली, तुम लोग भी मेरे बहुत बड़े प्लस हो. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. एंड मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्लस मेरी माँ. तो सर आप आंटी को थैंक यू कहने के लिए आप क्या जेस्टर करेंगे? और आप सब लोग, सारे कैप्टन्स जो पूरे सीजन रेमो सर और मुझे छोड़ के बहुत मतलब रगड़ने पड़ेगा आपको पूरे हफ्ते. और रेमो सर हम एक दिन आते हैं और बहुत मजे करेंगे और चले जाएंगे. सो आप थैंक यू कैसे बोलोगे आंटी को? और आप लोग क्या तरीका होगा आपका? हाँ, मैं एक छोटा सा जेस्चर है जो मैं करना चाहूंगा, जिसे थैंक यू जेस्चर कह सकते हैं. ओके, तो ये थैंक यू जेस्चर है अब. एंड उससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं अपने सबसे बड़े प्लस को कुछ बोले. हाँ, विनती करें. आप आंटी, yes. क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? बहुत बढ़िया. और ये जो हमारा शो आ रहा है डांस प्लस, तो आप देखते ही हैं, और बहुत ही सीरियस दो लोग हैं मैं और सर उसमें. हाँ. उसमें आपका क्या विचार है, कैसा रहेगा इस बार ये शो? ये बहुत हंसी मजाक करते हैं तीनों. इस बार बहुत अच्छा रहेगा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत मजे आएंगे. चलो ठीक है, आपका आशीर्वाद चाहिए हमें. आशीर्वाद हमेशा रहेगा बेटा आप लोग. फिर तो प्लस ही प्लस जुड़ते रहेंगे लाइफ में. तो सर हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं. सर करेंगे एक जेस्टर, अभी बोला है सर ने, इसे हम कहेंगे थैंक यू जेस्टर. अब से किसी को भी आपको थैंक यू कहना होगा, और आप डांस करके उन्हें थैंक यू कर सकते हैं. आपको अपनी वाइफ को कहना होगा, माँ को आपको कहना होगा, परिवार वालों को कहना होगा, गर्लफ्रेंड को कहना होगा. आप वो डांस स्टेप करके आराम से थैंक यू बोल सकते हैं, वो समझ जाएंगे. हाँ, और आप थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, मैं तो मेरी माँ के लिए कर रहा हूँ. हाँ हाँ, अभी गर्लफ्रेंड को ऐसे नहीं कर सकता. हाँ ठीक है ठीक है. मुझे स्टेप पता नहीं था. ये
अपने हिसाब से। मिला एक आदमी, वेरी गुड भाई, हमारी यूथ में पावर है, यस दे टेक रिस्क्स। के लिए करना चाहेंगे, आपकी लाइफ का प्लस कौन है जी? फोटोग्राफी कर दो, I have many of our friends who are part of StarPlus, taking in count hypnotic Soji. They are from, if you might be knowing, they are very close to us, and it's really good that I'm being with you. Sorry, those folks. Sorry, बोल नहीं सकता मेरे को थोड़ा confused हो चुका हूँ इसलिए stage पे आने के रास्ते सामने. Sorry, thanks. So आप filmmaking करते हैं? कहाँ से? Freelancing. अभी मैं YouTube वगैरह से सीख रहा हूँ. Very good. सबसे बढ़िया. यार. सबसे बढ़िया, वेरी गुड। तो आपकी लाइफ में आपका प्लस आपकी माँ है, वो आपको सपोर्ट करती है करने के लिए, और बाकी कोई नहीं करता है ज्यादा, मॉम सबसे ज्यादा करती है। तो उनके लिए आप ये स्टेप करना चाहोगे यहाँ भी? पक्का? तो ठीक है, तो ये स्टेप आपको हमारे कैप्टन सिखाएंगे। वेरी गुड, ऑल राइट, चलो 5, 6, 7 गो साउंड। क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू। खैर इन सब चीजों में चलते रहता है, मैं आपका नाम पूछना। विकास सोलंकी, थैंक यू वेरी मच विकास, यू कैन टेक योर सीट एंड गो व्हेरेवर इन मुंबई। ये राघव, हम लोग का तो हो गया, तेरा प्लस? मेरा प्लस प्लस, जब से डांस प्लस आया है तभी मैंने प्लस देखा है, वरना लाइफ में मेरे मार्कशीट में भी प्लस कभी नहीं आया था, सिर्फ माइनस ही माइनस चलता था। मगर मेरे जिस टाइम पे मैं सब कर रहा था सब, तो मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को ये सपोर्ट किया कि उस टाइम पे वो मुझे मिलने नहीं आए, वरना मैं डांस प्रैक्टिस नहीं कर पाता। मगर बहुत सपोर्ट किया मेरे दोस्तों ने, मेरी मम्मी ने भी, चाहे डांटती थी कुछ भी करती थी, पापा से छुपा के मेरे को मुझे डांस करने देती थी, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरे दूसरा मेरा प्लस ये निकल हुआ कि जब मैं आया था नया नया एक शो में, मैं बाहर निकल गया था, तो ऑडियंस की वजह से मेरे को वापस दाखिला मिल गया उस विद्यालय में, तो मेरे प्लस ऑडियंस भी है। फिर मेरे प्लस रेमो सर बने, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ABCD मुझे एक्सपोजर मिला एज एन एक्टर, मुझे अपने आप को समझने के लिए वो सर बने मेरे प्लस। अभी प्लस मेरे एक्टिंग कोच हैं जो है सौरभ सर, तो मेरे प्लस बदलते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लस हैं मेरे साथ, ऐसा एक प्लस नहीं रह सकता। जैसे अगर ये हाथ काम आता तो ये हाथ भी काम आता है, दोनों हाथ काम आते हैं चीजों के लिए, है ना? तो वो ही साथ है, हाँ। समझ रहे हो, अगर नाक एक साइड दे देते तो कैसा लगता? दो हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, ऐसा एक नहीं है, हाँ। दो है ना, मतलब छह दिए, हाँ। तो ऐसा आपको सपोर्ट के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो जाके आप एक इंसान बनते हैं, और वैसे ही बाहर होता है। मेरे बहुत सारे प्लसेस हैं और उनके लिए भी मैं स्टेप करना चाहूंगा। स्टेप है भाई, ये मेरा, अच्छा यही वाला है, ठीक है, मैं काम करता हूँ कि इधर तो मेरे प्लस है नहीं, लेकिन सारे प्लस का एकजुट एक शब्द होता है माँ, मैं उनके लिए कर देता हूं ये। सो एक बार म्यूजिक दे दो, बाजी।
तो ये हो गया मेरा प्लस, और अब बारी है आप सबको नींद से जगाने की। हाँ आप सबका, आप सब अलाउड हो, आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, और मैं चाहूंगा जितने फालतू के सवाल है वही पूछना। उससे क्या रहता है कि माहौल में ना चंचलपन बना रहता है, क्योंकि सीधे सवाल की आदत नहीं है हमें। स्कूल में भी बड़े सीधे सवाल आते थे तो मैं छोड़ देता था, इसलिए कुछ लिख नहीं पाया। तो जितना हो सके फालतू के सवाल, शो के बारे में, हमारे बारे में। ओके लेट्स स्टार्ट। अरे कुछ कुछ तो रिएक्शन दिया करो, लगे कि सब जिंदा है। थैंक यू। स्टार्ट। मुझे क्यों बुलाते हो आप प्रमोशंस में? मत बुलाया करो, अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। रेमो जी, मैं आपके मदर से पूछना चाहती हूँ कि आज जनरली बच्चे क्या होते हैं कि थोड़े रिवोल्ट करते हैं जब टीन एज में होते हैं और वो सुनते नहीं हैं माँ बाप की, तो ऐसे में आपने रेमो को किस तरीके से समझाया कि ये सही है और ये गलत है? ये समझाया, पढ़ाई करो पहले, अच्छा से पढ़ना चाहिए बेटा करके बहुत बहुत थी। ये ना पढ़ाई में थोड़ा नाटक करता था। स्कूल जाने के लिए भी थोड़ा परेशान करता था बचपन में बहुत, और पापा से थोड़ा डरता था कभी कभी। सर बोल, पापा से डरता था लेकिन मेरे पास आके बोलता था मम्मी आज स्कूल नहीं छोड़। मैंने बोला स्कूल जाना जरूरी है बेटा तेरे को, नहीं तो पापा मेरे को गुस्सा करेंगे आके ड्यूटी से। तो बोला ठीक है मम्मी, मेरे को पैसा दे दो मैं जाता हूँ। बोलेगा इसको रोज चाहिए, एक रुपया चाहिए, हाँ चॉकलेट के लिए पैसा देगा तो मुझे ठीक है दे देती, पैसा देती थी फिर स्कूल भेजती थी। क्या पता आपके लिए वो स्कूल जाते हो। नहीं नहीं लेकिन स्कूल तो जाता, स्कूल जाता, मजा भी वहीं आता है। एक्चुअली मैं बच नहीं सकता था कि मेरी बहन भी थी स्कूल, तो मैं वो पूरा रिपोर्ट दे देती कि आया था कि नहीं आया था स्कूल, कोई सवाल ही नहीं होता, नहीं पढ़ पाता। सारी चीजें पता लगी आपको आज, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने इनसे, आंटी ने सब बताया सर के बारे में, हमें भी काफी कुछ नहीं पता था। कुछ ही बच्चे होते हैं एकदम सर्वपूर्ण संपन्न, इतना ज्यादा नहीं करता था, कभी कभी तंग करता था। हम दोनों एकदम एक जैसे हैं थोड़े इस मामले में। जैसा सीधा कोई नहीं हो सकता, सीधा भी हम लोग जी। नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ नव भारत टाइम से, और ये सवाल मैं आप सब लोगों से जानना चाहती हूँ। हम यहाँ पर सपनों को पूरे करने की बात कर रहे हैं, और जिन्होंने मतलब हमारे लिए कुछ कुर्बानियां देकर के सपने पूरे किए उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग साथ में ये देखते हैं कि बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए आजकल का जो यूथ है या बच्चे हैं उन पे प्रेशर भी बहुत होता है। अलग अलग तरह के सपने हैं, स्टडीज के, परफॉर्मेंस के, पीयर प्रेशर हैं। आप लोग बहुत सारे सपने लोगों के आप लोगों ने पूरे किए, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारा डिप्रेशन भी उससे हो जाता है, बहुत सारे बच्चे इधर उधर भी निकल जाते हैं, तो उस सपनों को पूरा करने के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, मैं आप लोगों से डेफिनेटली ये जानना चाहूंगी। सपना तो हर बच्चे को, माँ बाप तो सपना देखते हैं, लेकिन मेरा बच्चे जैसा सपना सब माँ को देखना चाहिए। मेरा बेटा सपना पूरा किया हमारा, हर माँ बाप को यही सोचना चाहिए हमारे बच्चों को भी ऐसा आगे बढ़ा। आपका जो सवाल है इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा आजकल सिचुएशन यूथ को लेके काफ़ी टेंस सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि डिप्रेशन बहुत हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को हो रहे हैं, और इन सब के रीज़न आई थिंक यही है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ करना है, उस वजह से ये डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सपने पूरे निकल पाते हैं। तो उनके लिए सिर्फ इतना है कि यार हर चीज़ का के लिए आप वक्त, और अगर नहीं कर पा रहे हैं वो
और अगर पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए प्रेशर, अगर किसी को नहीं करना है तो नहीं करने दो यार, मतलब प्रेशर मत करो, उनसे पूछो, बैठ के बात करो, अगर बैठ के बात करके जितना आप बात करेंगे उतना आपको क्लियरिटी मालूम पड़ेगा एक दूसरे के बारे में, सो जितना टाइम दे सकते हो उतना अच्छा है। एंड इसी तरीके से आप बच्चों को समझ सकते हैं, बच्चे आपको समझ सकते हैं, और सिचुएशन का हल भी अगर आराम से करें और बात करके करें तो शायद ये हो सकता है। अदरवाइज यस देयर इज अ बिग इशू राइट नाउ अबाउट दिस कि कुछ करना है और बहुत जल्दी करना है, इतनी फास्ट लाइफ जा रही है कि एवरीवन वांट्स टू अचीव समथिंग क्विकली, तो वो करना है। लेकिन एक चीज सही है कि हर एक इंटरव्यू में ये सवाल होता ही है कि प्रेशर होता है बच्चों पे, तो कुछ पेरेंट्स मैंने देखे भी है कि ऐसे इंटरव्यू देख के वो मान भी गए हैं, जैसे मेरे क्लास में ही कुछ बच्चे हैं जो बोले सर अभी सपोर्ट करते हैं मुझे, आपका वो इंटरव्यू देखा था ना तब रेमो सर ने बोला था, सब ने बोला था, तो वो सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगा है, उन्होंने बोला कि हाँ ये सपोर्ट करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जो एज के हिसाब से चल रहे हैं वो एज के हिसाब से उन्हें करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अभी डांस में अच्छा हो रहा है वो, फिर अभी मूवी में आ रहा है तो अभी तुझे भी डांस करना चाहिए, बट उसका टैलेंट कुछ अलग ही है, तो उसे वो तोड़ के ज्यादातर के जहाँ ज्यादा फेमस हो रहा है ज्यादा तो वहां पर पुश करते हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी बात है कि ऐसे हर बार जब भी सवाल पूछते हैं कोई भी इंटरव्यू में उनका जवाब जब आता है तो कुछ पेरेंट्स हैं जो उनको मैं थैंक यू बोलूंगा जो समझ गए हैं, जो अपने बच्चों को भी इस तरह से सपोर्ट करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि काफी पेरेंट्स अपने खुद के सपने पूरे करने चाहते हैं बच्चों के थ्रू, वो शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि बच्चों को बोलते ना फिलोसॉफिकल है पंख दो उड़ान वो खुद ले लेगा, तो वो जैसे कि धर्मेश ने भी कहा अभी कि लेट देम ग्रो, टाइम के साथ हो जाएगा, एंड प्रॉब्ली आप पुश कर रहे हो उसको ये करने का, उसका टैलेंट कुछ दूसरा ही है, विच कैन बी स्टडीज और कुछ भी दूसरा, सो जस्ट मेक श्योर कि सपने किसी और के पूरे करने के लिए अपनी कुर्बानी, वो बात कर रहे हैं हम लोग, वो नहीं बोल रहे कि मेरा खुद का सपना जो है ना बेटा तू कंप्लीट करके आ, शायद बच्चे को वो कैपेबिलिटी हो ही नहीं, सो प्रेशर नहीं देना है, पुश नहीं करना है और फोर्स नहीं करना है। और जहां आप जैसे डिप्रेशन और इसकी बात हुई है, तो अब जो जितने भी यूथ हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपको आप जर्नी को एंजॉय करो, जो हम लोगों ने अपनी जर्नी एंजॉय करी है गोल से ज्यादा, गोल तो वो अलग बात है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, फेम आज है कल है नहीं, कुछ नहीं फर्क इसका पता नहीं है, मगर एंजॉय द जर्नी ऑफ लर्निंग। हमारे जब हम लोग डांस करते थे मेरे ख्याल से तब तो कुछ था भी नहीं टीवी पे, ना कुछ शोज आए थे, ना बूगी कुछ नहीं था, वो हम अपने मजे के लिए डांस करते थे, तब हमारे पास कोई लालच नहीं था कि यार हम इसमें जाएंगे तो इसलिए डांस कर रहे हैं, दिस इज वी वर एंजॉइंग द जर्नी। इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, आप अपने आप को पहचानते हो, अगर आप ये करते रहोगे तो ये सब आएगा नहीं, एंग्जाइटी और ये सब आएगा नहीं आपके अंदर, क्योंकि यू विल कीप डूइंग समथिंग, यू विल कीप एंजॉइंग द जर्नी मोर देन द गोल्स। अभी क्या है इसमें सेलेक्ट हो जाऊं मैं बस डांस में हो जाऊं, बस उनका ये नहीं, यू अरे वेट एंजॉय द जर्नी, अच्छा ये सीख रहे हो, ये गलतियां कर रहे हो आप, ओके दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, सो ऑलवेज बी इन द जर्नी, बी इन द डूइंग, एंड दैट्स वो मेन है, तो जर्नी एंजॉय करनी चाहिए, तो उससे ये सब क्या पता ना हो भाई। मैं देखता हूँ जितने भी यहाँ पर बड़े घर के हैं जिनको सब मिला हुआ है, सब चीज ऑर्डर हो रही है, सब वैसे ऑर्गेनिक वर्गेनिक सब खा रहे हैं यहाँ पर, उनको ज्यादा डिप्रेशन है। हमारे गांव में जो मेरे जितने लड़के सब दोस्त हैं मेरे, उनको कुछ पता ही नहीं इसका मतलब, क्योंकि वो हमेशा उनके लिए उनको टाइम उनको दिमाग में आ ही नहीं सकता वो डिप्रेशन, क्योंकि वो हर हर दिन हर वक्त काम में लगे रहते हैं। अच्छा चल यार उधर से मैं पानी लेके आता हूँ, तू मीट तू मुर्गा पकड़, मैं मुर्गा पकड़ के आऊंगा, ठीक है तू ये खेत से वो कर दे, तो उनको इधर जो यहाँ शहर वाले उन्हीं को सब जाना है, यू नो योगा मेडिटेशन रिट्रीट ऑर्गेनिक उन्हीं को होता है ये सब, मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जितने भी आप देखते हो कि यू बी इन द डूइंग, उसमें होगा नहीं है सब बस। हेलो रेमो जी, शक्ति को बोलते एक बार, जैसे आपने प्रेशर की बात करी है, आई थिंक ऑल ऑफ अस फील इट एट सम लेवल, कभी ना कभी लाइफ में, जब बच्चे थे तब फील हुआ, कॉलेज में तब फील हुआ, कहीं ना कहीं ये फील होता है। एंड अभी मेरा रियलाइजेशन ये है कि ये तभी होता है जब हम दूसरों को अलाउ करते हैं प्रेशर फील करने के लिए। अगर हम अपने पे विश्वास करते और हमें पता है हमें क्या करना है, तो अगर बाहर जो लोग बोल रहे हैं ना उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समवेयर वी अलाउ कि अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, हमारे साथ वाले क्या कर रहे हैं, हम अपनी जर्नी दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि अरे राघव ने ये कर लिया तो मुझे तो अभी ये कर लेना चाहिए था, ही इज डिफरेंट, ही उसका डीएनए अलग है, मेरा डीएनए अलग है, और हम लोग
कभी भी मैं ये नहीं बन सकती, ये मैं नहीं बन सकता. तो ये जब बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे, वो अपने ऊपर फोकस करने लग जाएंगे, तो वो प्रेशर अपने आप चला जाएगा, बिकॉज योर ओनली कॉम्पिटिशन इज योर सेल्फ. रेमो जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि डांसिंग फील्ड के अंदर करियर सभी लोगों के नहीं बनते. जैसा कि मैं मानता हूं कि आप पांच, तीन और दो पांच महानुभाव यहां खड़े हुए हैं, उसमें रेमो, राघव, शक्ति और धर्मेंद्र जी यहां मौजूद हैं. क्या 100,000 लोगों में से एक राघव निकलता है, 1,00,000 लोगों में से एक रेमो निकलता है, और शक्ति शायद 10,00,000 लोगों में से निकलता? इस तरह से जो आपका सिलसिला है, डांसिंग में फील्ड में करियर बनाना बेहद ही मुश्किल है. क्या कोरियोग्राफर कितने बनेंगे, आपको लगता है कि ये क्या सही फील्ड है बच्चों को कहीं ना कहीं ये एक आगे बढ़ने के लिए और सिर्फ टीवी पे आने के लिए और सिर्फ एक स्टार बनने की एक उनकी चाह के अंदर कई बार उनका करियर चौपट हो जाता है. वो किसी भी तरह के दोनों दिन के नहीं रहते ना, तो वो जैसे कि आपके साथ प्लस रहा कि आपके फादर चाहते थे कि पायलट बने, लेकिन माँ के सपोर्ट से रेमो बन गए आप, और आज आप हिंदुस्तान के मतलब बेताज बादशाह हैं, कोरियोग्राफर हैं और डांस की दुनिया के बेताज बादशाह हैं. लेकिन राघव जी बने, शक्ति बने, धर्मेंद्र बने, ये बने, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो डांसिंग फील्ड में आए और बर्बाद हो गए. वो दोनों तीन के नहीं रहे, आज वो कहीं दोस्तों के साथ भी नहीं जा पाते और ना ही किसी रिश्तेदारों के यहाँ फंक्शन में नहीं जा पाते. तो क्या आपको लगता है कि ये इसका कोई टिप्स होंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? सब ग्रहों का चक्कर है, ऐसे लग रहा है कोई फिक्शन शो हो रहा है. इतना भाई क्या किधर से लिख के लाए? और मेरा नाम पुनीत है. अच्छा नहीं, आपने जैसे बोला कि लाखों में से एक निकलते हैं, हर फील्ड में वही है ना. डॉक्टर भी थोड़ी सभी बनते हैं, जितने भी डॉक्टर बनने पढ़ते जाते हैं, जितने भी डॉक्टरी करने जाते हैं, उसमें से जितने पढ़ने जाते हैं सब थोड़ी डॉक्टर बन जाते हैं. उसमें से भी एक ही कोई अच्छा डॉक्टर निकलता है ना, और एक ही कोई अच्छा लॉयर निकलता है, एक ही कोई ऐसा, हर फील्ड में यही है. तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई यार ये बन गया अभी मैं नहीं छोड़ दूंगा. अगर वो उस भरोसे से करते हो तो कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा. सो यू हैव टू, और ऐसा नहीं है कि ये लाखों में से इनका कुछ होता नहीं. आज की तारीख में आई थिंक बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, आप अगर अच्छा टैलेंट है, आपके पास टैलेंट है, आपने अच्छा सीखा है डांस, तो आप कभी वेस्ट नहीं हो सकता, टैलेंट कभी वेस्ट नहीं हो सकता. आप ये ध्यान से वो स्पेशली आप ध्यान से जो भी आप जानते हैं जिन लोगों को, उनसे जाके बोलिए कि या तो आपका टैलेंट में कुछ प्रॉब्लम है, या अगर अच्छा टैलेंट है तो आप भी यहीं पे खड़े हो सकते हैं. टैलेंट कभी छुप नहीं सकता. और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं. आज के तारीख में तो मतलब इतने सारे हैं डांसिंग के लिए, डांसर्स के लिए तो बहुत फील्ड है, बहुत बहुत सारा फील्ड है. सो कोई काम की कमी नहीं है. और ये 5 निकले हैं और 5 निकलेंगे, ऐसे निकलते रहेंगे. ओके रेमो, मेरा सवाल आपसे. हम गुड टू सी यू. चलो हेलो. सबसे पहला सवाल, क्या आपका क्या रिएक्शन था जब यू नो द कॉन्सेप्ट इज रियली यूनिक, जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं. ये पहली बार हो रहा है जब मैं डांस season 4 या season+ की बात करता हूं मैं, तो आपका क्या रिएक्शन था, पहला सवाल. और दूसरा साथ में, क्योंकि मुझे मालूम है उसके बाद हम मना कर जाएंगे या पूछे ना कुछ. दूसरा सवाल ये, क्या आपको भी हाल फिलहाल में कभी लिखा यू आर अंडर प्रेशर? सी, जिस फील्ड में हम लोग हैं उसमें प्रेशर तो बहुत होता है ना. और आप सभी जानते हैं कि आपका हर लास्ट काम आपका आपको आपकी स्टेटस बताता है कि अभी ये कितना है. तो हर बार ऐसे नहीं कि चलो एक फिल्म दे दी मैंने, 100 करोड़ कर लिए, अब मैं बिंदास कुछ भी करूँगा. नहीं, मुझे 100 करोड़ दिए, अभी नेक्स्ट फिल्म का प्रेशर आ जाता है कि अब यार ये 100 करोड़ हो गया. अभी मेरे ऊपर ही मैंने खुद ने प्रेशर ले लिया है कि यार मैंने वो लास्ट फिल्म दी 100 करोड़ की, अभी ये तो 100 के ऊपर जानी चाहिए, या तो एटलीस्ट 100 तो होनी चाहिए. 100 के नीचे गए तो मेरे प्रेशर. सो ये प्रेशर तो हमारे, मेरे ख्याल से आज की तारीख में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, भले वो इस फील्ड में हो या दूसरे फील्ड में हो, प्रेशर तो होता ही है. तो वो तो मतलब उसका कोई, आई डोंट नो, कोई हल है कि नहीं. बट हाँ, या तो सोचना ही बंद कर दो या फिल्म बनाना बंद कर दो तो प्रेशर निकल जाएगा. वो मेरे से होगा नहीं. तो यस, वो प्रेशर मैं लेके चलता हूँ. और इनफैक्ट वो प्रेशर अच्छा भी होता है मेरे लिए, मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ. वो प्रेशर मेरे लिए पॉजिटिव होता है क्योंकि फिर उसके बाद और काम करता हूँ, और सोचता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि यार जो लास्ट किया उसे अच्छा करूँ. तो वो प्रेशर मेरे लिए अच्छा है, मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ. इस पे देखने के दो तरीके हैं, या तो आप डर जाते हो या फिर उसको एज अ पॉजिटिव लेके आगे काम करते हो.
एंड ये जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं कि रिश्ते सिर्फ अपने नहीं होते, सपने सिर्फ अपने नहीं होते, ये जब पहली बार मेरे को बताया गया कि ये कॉन्सेप्ट से ज़्यादा है, आई वॉज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट इस शो में हम लोग उनको थैंक्स कहेंगे या उनको सामने लेके आएंगे जिनकी वजह से शायद मेरा सपना पूरा हुआ है, धर्मेश का हुआ है, पुनीत का, शक्ति का, राघव का एंड जितने भी अभी कंटेस्टेंट आएंगे उनके. सो इट्स नाइस वे टू स्टार्ट अ शो लाइक दिस. It's really sweet to, you know, it's really sweet to see your mother in the press conference. और उनकी इनोसेंस, उनकी मासूमियत नजर आती थी जिस वक्त वो जवाब दे रही थी. आपने उन्हें क्या ब्रीफ किया था, मम्मा चल रहे हैं, आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है? कुछ नहीं. जो ब्रीफ किया था तो ये नहीं बोलती. ब्रीफ किया था तो कभी नहीं बोलती. Guys, we'll do the photo ops now. Yes. सोलो निकलना. बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और डांस प्लस 4 आ रहा है और तीन सीजन कर चुके हैं. तीन सीजन के बाद अब आ रहे हैं हम लोग, तो मतलब इट्स ऑलवेज ग्रेट के, क्योंकि अगर सीजन पसंद नहीं करते तो सीजन के बाद सीजन नहीं आते हैं. तो थैंक्स ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि उनकी वजह से हम लोग चौथा सीजन लेके आ रहे हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. आई थिंक ये शो टैलेंट के लिए बना है एंड जितने भी परफॉर्मर्स आते हैं दे रियली ब्लो आवर माइंड्स. तो इस बार भी ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं जिससे देखकर हम सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं. डांसिंग इज गोइंग टू गो अनदर लेवल, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बच्चे क्या कर रहा है कि डांसिंग विल गो टू अनदर लेवल एंड डांस प्लस सीजन 4 इज गोइंग टू बी फिनोमिनल. नहीं वो नहीं होगा इसमें, वो बिल्कुल नहीं. ये सीरियस हो गया है, ये बहुत सीरियस है. मैं थोड़ा सीरियस हो गया हूँ, कॉमेडी सीरियस वाली करूँगा. होगी, सब होगा, मजे होंगे, बहुत मनोरंजन होगा आप लोगों का, बहुत मजा आएगा. और एक नया ट्विस्ट आ रहा है इस बार हमारे शो में. डायरेक्शन में ज़्यादा दिलचस्पी मेरी ज़्यादा रहेगी क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जब डायरेक्शन करूँगा तो गाने भी मैं ही करूँगा. हाँ. तो कोरियोग्राफी ऑटोमेटिक में हो जाएगी. तो यस ऑफ कोर्स डायरेक्शन राइट नाउ इज ऑल इन माई माइंड, बट कोरियोग्राफी तो कभी छोड़ूंगा नहीं, वो मैं करता रहूँगा क्योंकि मेरा पहला प्यार है वो. सो कभी नहीं छोड़ता. हाँ सभी लोगों ने पसंद नहीं की, बट यस
बहुत यस चुनौतीपूर्ण होता है डायरेक्शन करना, क्योंकि अगर ऐसी फिल्म हो जो इसमें बड़े बड़े एक्टर्स हों तो बहुत ही ज़्यादा चुनौती आता है आपको, बट आप डायरेक्टर हैं, ऐसी चुनौतियाँ का सामना करना मतलब आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर आप डायरेक्शन नहीं कर सकते। जी 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 मुझे बुरा लगा कि मुझे जो मैंने सोचा था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। एट द सेम टाइम मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने जितना मुझे मेहनत करनी थी, जितना मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मुझे कि यार ये आपको फिल्म बनानी है और इस लेवल पे बनानी है, ये करना है, मैंने उसका एक मतलब 0.1% भी मैंने उसका नहीं छोड़ा। मैं आई हैव डन एवरीथिंग जितना पॉसिबल था, हम सब ने पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, बट एट द सेम टाइम सबसे बड़ी जो इस इंडस्ट्री में जो है वो जनता है, जनता डिसाइड करती है। अगर उनको थोड़ा भी ऊपर नीचे, वो ये नहीं देखती हैं कि आपने कितना मेहनत किया, क्या पसीना बहाया, आप वो थिएटर में आती हैं देखती हैं, तो शायद कुछ कमियां रह गई होगी उस फिल्म में, तो उतनी नहीं कर पाई, बट कुछ लोगों को बहुत पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई, सो आई एम ओके विद दैट, बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊंगा तो आई मेक श्योर कि जितनी मेहनत की थी उससे डबल मेहनत। नेक्स्ट इज माई डांस फिल्म विच इज गोइंग ऑन फ्लो वेरी सून। एशिया इंडिया टीम को हम सबकी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट एंड यस इंडिया जिंदाबाद। रॉकेट। यस। हाँ बोलो। नया तो अभी हम वही पुराने हैं। आइडियाज नहीं रहेंगे, कंटेस्टेंट्स नहीं रहेंगे, यस यस स्टाइल नहीं रहेंगे। इस बार दिखेंगे ना? है नहीं। हाँ, तो इस बार दिखेंगे। हम नहीं, उनकी झलक ले लो ना, आप जाओ ऑनलाइन चेक कर लो। नहीं नहीं, हमें पता नहीं है, पर हम जितने नाम सुने हैं, लॉक कोई नहीं हुआ, पर वो भी दिग्गज है, डिट्टो और फिक्शन के लेवल के, और कोई कोई उसके ऊपर भी है। यस yes. उनके ऊपर वाले जो हम लोग बहुत हाँ, पहले फॉलो करते थे ना, वो वाले आ रहे सो फियर तो नहीं होता, लेकिन कैसा होता है कि ऐसा कोई आड़ा टेढ़ा थीम आ जाता है और ऐसा कुछ होता है तभी प्रॉब्लम होता है, बट हाँ हमारी चैनल जो है वो इतना सपोर्ट करती है एंड हर एक चीज हमें प्रोवाइड करती है, सो ऐसा कोई चैलेंज तो नहीं आता, बट वही है रेमो सर, जब कुछ नया चैलेंज दे देते हैं कि आपको इनको बीट करना है या आपको इनके साथ डांस करना है, तब वाट लग जाती है, बस वही है। तो नहीं, सिर्फ अपने नहीं, सपने सिर्फ अपने नहीं होते, बहुत ही रिलेटेड, जैसे पहले भी कहा था, हम सब एक्चुअली कोई भी इंसान, आप भी जो खड़े हो और कैमरा के पीछे और जो ऑडियंस में भी है, सब अपना अपना जो जिधर पहुंचे लाइफ में उसके पीछे किसी न किसी ने अपना खुद का सैक्रिफाइस किया ताकि वो इंसान आगे आ चुका है। तो मेरी लाइफ में सब ने, बहुत सारे मेरे प्लसेस हैं जिन्होंने अपने खुद के सपने छोड़ के मेरा सपना पूरा किया, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरा प्लस अभी जो मुकाम में पहुँचा हूँ उसके पीछे मेरे छोटे भाई का हाथ है, क्योंकि वो है छोटा भाई पर उसने बड़े भाई जैसा काम किया, उसने अपना खुद का सपना डांस का छोड़ा ताकि मैं अपना पूरा कर सकूं। तो यस, मेरा भी सेम वैसे है, मेरे पापा है, मेरे दोस्त हैं, रेमो सर है, इवन बहुत सारे लोग हैं, एंड जितने भी लोग अभी सक्सेस हुए हैं, जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके पीछे है, लेकिन उनको थैंक यू बोलने का ऐसा कोई शो, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो ये शो में इस बार देखने मिलेगा, कि जितने भी लोग हैं वो भी खुद को देखेंगे कि उनके खुद के नाम लिए जा रहे हैं, उनको थैंक यू बोला जा रहा है, सो अच्छी है। We are back. हम लोग वापस आ रहे हैं एंड वही धमाके के साथ, तो आप लोग प्लीज उसी जोश के साथ देखिएगा। Yes. Thank you. Thank you, sir. यार बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी, और अगर हम लोग एक्साइटेड होंगे तो आप वो एक्साइटमेंट टीवी के द्वारा आपके अंदर भी आएगी, तो डांस प्लस 4 में बहुत मजेदार चीजें होने वाली हैं यार।
अलग अलग फील के आर्टिस्ट हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी के आर्टिस्ट हैं, अलग अलग सोच के आर्टिस्ट हैं, और दूसरी बात यह है कि जो उनके सपने हैं जो उन्होंने पूरे किए हैं वो सिर्फ उन्होंने पूरे नहीं किए, उनके साथ एक और उनके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करी है, उनको भी हम ये शो डेडिकेट करेंगे। और इस बार ये एक नया चीज है, बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए। यार मेरी वैसे मैं एंकरिंग करता नहीं हूँ, मैं बस मैं ही रहता हूँ वहाँ और जो मन होता है वो करता हूँ स्टेज में, परिवार जैसा है मेरे लिए वो डांस प्लस, और मज़े करता हूँ। इस बार एक नया ट्विस्ट मिलेगा आपको, वो ट्विस्ट आपको पता लगेगा जब आप शो देखेंगे, क्योंकि वो ट्विस्ट सस्पेंस में ही रहना चाहिए, उसी के मज़ेदार है वो। और घर जो आशियाना है मेरा, मेरे ख्याल से बढ़ गया है, बड़ा नहीं है लेकिन नई नई चीज़ें आ गई हैं उसमें, मैंने घर बदला है अपना, क्योंकि दिवाली के बाद पुताई वुताई शॉपिंग वॉपिंग करिए नहीं, तो वो पड़ोसी का घर थोड़ा खिंचाई तो बहुत होने वाली है उस हेयर स्टाइल में, काफ़ी बढ़िया हेयर स्टाइल है, अगर वो एक तरफ ही काटती है तो पूरे जैसे तुम्हारे तरह तो सही रहता, लेकिन उसने एक ही साइड काटा है ना, वो गलती कर दी उसने। ऑडियंस को ये मैसेज देने वाला हूँ कि यार एंजॉय करो ये शो, मज़े लो, आप अगर थक हार के आ रहे हो पूरा दिन कुछ भी करके आ रहे हो, ये रिलैक्स खाना खाते खाते ये शो देखो। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग दिखने वाला है, सबसे ज़्यादा तो टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं इस सीज़न पूरे देश भर से, तो वो बहुत ज़्यादा नया होने वाला है इस सीज़न। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रेमो सर लेकर आते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल चैलेंज एक है जहाँ पे बाहर के आर्टिस्ट आते हैं जो कि वर्ल्ड रेनाउंड हैं, बैटल्स जीत चुके हैं, वहाँ पर हमारे जो बच्चे पहली बार जो स्टेज पर गए हैं उनके साथ उनको कम्पीट करना होता है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ज़्यादा डरावना भी है, मतलब मैं नहीं चाहूँगी कि मैं खड़ी हूँ उनके साथ स्टेज पर बैटल करूँ और हमारे बच्चों को करना पड़ता है, तो बहुत रेमो सर हमारी लाइफ के साथ बहुत खेलते हैं। मेरे प्लस मेरे पापा हैं, एक्चुअली प्लस बहुत सारे हैं, टेरेंस सर भी हैं, नीति दीदी भी हैं मेरी लाइफ में, पर पापा एक ऐसे प्लस हैं जो कि कहते हैं ना अनसंग हीरो, जो कभी क्रेडिट ही नहीं लेते कि मैंने कुछ किया है, वो मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे लेते हैं क्रेडिट, पर पापा एकदम ऐसे हैं कि चुपचाप उन्होंने, उनके उसूल बहुत क्लियर हैं, और जिस सेटअप में जहाँ पे हम लोग बड़े हो रहे थे वहाँ पे हर जगह पे उनको ऐसा जताया जाता था कि आपकी चार बेटियाँ हैं और आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, बेटा अडॉप्ट कर लो किसी का, ऐसे ऐसे करते थे, पर हम लोग जब तक बड़े हुए हमें जब तक समझ में आया कि ऐसा दूसरे लोग बोलते हैं, हमें लगा मम्मी पापा ने तो हमें कभी बताया नहीं कि ऐसे भी लोग सोचते हैं, तो दे नेवर लेट अस नो एनीथिंग। बहुत सारी चीज़ें जब हमने ये फील्ड भी चूज करी वो एक दूसरा बड़ा चैलेंज था कि लोग बोल रहे थे कि, और उस वक्त पे जब हमने ये मूव किया तब हमारे घर में बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो ये डिसीजन भी लेना कि डांस करना है कैसे लें, क्या करें, कौन साथ देगा, कौन सा काम मिलेगा, तो बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। उस वक्त पे पापा ने कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं तुम लोग नॉर्मल जॉब करके पैसे ले आओ घर में, नहीं, जो करने का मन है करो, तो बहुत ज़्यादा करेज चाहिए एक इंसान के अंदर कि चार बेटियाँ हैं घर में पैसे नहीं हैं और जब बड़ी हो गई उनको